भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, आज बात करेंगे कप्तान गुरबचन सिंह सलारिया जी की, जो यूनिट 1 गोरखा राइफल्स का नेतृत्व कर रहे थे। 5 दिसंबर 1961 को गुरबचन सिंह जी की बटालियन को 2 बख्तरबंद कारों पर सवार अलगाववादी राज्य कतांगा के 150 सशस्त्र सैनिकों द्वारा एलिजाबेविल हवाई अड्डे के मार्ग के अवरुद्धीकरण को हटाने का कार्य सौंपा गया। उनकी रॉकेट लॉन्चर टीम ने दुश्मनों की बख्तरबंद कारों पर हमला किया और नष्ट कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन भ्रमित हो गए और बिखर गए। इससे पहले कि दुश्मन को संभलने का मौका मिले, गुरबचन सिंह ने अपने साथियों को दोबारा हमला करने का आदेश दिया। हालांकि उनकी सेना की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सशस्त्र दुश्मन सेना के 40 लोगों को कुकरियों से हमला करके मार गिराया। इसी दौरान गले में 2 गोलियां लगने से गुरबचन सिंह जी भी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपना सैनिक कर्तव्य निभाया और उस रास्ते को दुश्मनों से मुक्त करा दिया। दोस्तों, युद्ध में अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के लिए सन 1962 में मरणोपरांत गुरबचन सिंह सलारिया जी को सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम टीम मिक्स्ड माइंड की ओर से गुरबचन सिंह जी और उनके शहीद साथियों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।